हेलो गाइस, बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज मैं आ गई हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माता जी के 9 दिन तक पूजा चलेगी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। आज थोड़ा लेट हो गया शेड्यूल, क्योंकि सुबह लड़की को स्कूल भेजा तो उसमें थोड़ा टाइम निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी पूजा के लिए बहुत समय है हमारे पास, अभी हम पूजा करेंगे। और नवरात्रों की पूजा वैसे भी पहले दिन इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि माता रानी की चौकी वगैरह सजाई जाती है, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता ही है। अब कल से रूटीन हो जाएगा तो वही 7:30 तक पूजा ऑलमोस्ट हो जाया करेगी। और अभी मेरे जो हस्बैंड हैं वो चौकी को लगा रहे हैं, क्योंकि वही लगाते हैं जब तक मैं नहा धोकर रेडी होती हूँ। मैंने बर्तन वगैरह तो साफ़ कर दिए हैं, अब वो पूजा के जो बर्तन थे अब वो कर रहे हैं, पूजा की चौकी लगा रहे हैं। तो अब मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ। पूजा का सामान लगा रहे हैं, चौकी वगैरह सजा रहे हैं। अभी हम 9 दिन तक साथ में ही पूजा करते हैं। वैसे तो पूजा करने का समय हम दोनों का अलग अलग है, क्योंकि इनको शॉप पर जाना होता है तो जल्दी पूजा करते हैं और मैं थोड़ा लेट पूजा करती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपने पूजा के बर्तनों को कर लिया है बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ़ रखे हुए हैं, धुले हुए। और ये इसके बगल से ही रखा है मेरा सारा पूजा का सामान, जो कि अभी मैं जब पूजा करूँगी तो यही सारा सामान पूजा में यूज़ होगा। सामान मैंने अभी सुबह ही मंगाया है, वैसे तो रात को ही आ जाता था लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो उस वजह से सामान मैंने सारा सुबह मंगाया है। देखिए सारे पूजा के बर्तन क्लीन हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ये तांबे के और पीतल के हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में, इसलिए इनको मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है। तो देखिए फाइनली पूजा हो गई नवरात्रों की, आज से पूजा प्रारंभ हो चुकी है। अब पर डे रूटीन वही रहेगा, सुबह 5 बजे उठने का, क्योंकि पहले मेरी बेटी स्कूल जाएगी, फिर उसके बाद तैयार करना उसको, उसके बाद साफ़ सफाई करके अपने पूजा घर की, फिर पूजा शुरू करना। देखिए हो रही है घर की साफ़ सफाई, क्योंकि इसके बाद बनाना है फलाहार, क्योंकि आज सब व्रत है। ये रोशनी बर्तन धो रही है, रोशनी चला इधर कर, हाय तो कर दे कर, ये देखो बाय नहीं करनी, हाय करनी है। ये इसी की बहन है बड़ी वाली, अब ये दोनों कर रही हैं साफ सफाई, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी व्रत का फलाहार, क्योंकि आज खाना नहीं बनेगा, खाना सब लोग व्रत का खाना खाएंगे आज। अभी सुबह की पूजा तो हो चुकी है, अब हमारा काम रह गया है फलाहार बनाने का। तो अब जैसा ही मेरी बेटी आ जाएगी स्कूल से, क्योंकि आज उसने भी फास्ट रखा है, तभी मैं फलाहार बनाऊंगी, क्योंकि दिन में लंबा समय है, जब बच्चे व्रत रहते हैं तो हमें दिन में फलाहार बनाना पड़ता है। वैसे तो मैं मोस्टली जब व्रत रहती हूँ तो मैं तो अपने लिए खैर दिन में नहीं बनाती, मैं तो एक ही टाइम फलाहार करती हूँ शाम को, लेकिन जब बच्चे व्रत रहते हैं तो बनाना पड़ता है। हस्बैंड भी हैं आज व्रत, तो उन सब लोगों के लिए अभी बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी और आलू वगैरह तलूँगी, मूँगफली वगैरह। तो चूँकि बच्चे हैं भाई तो उनके लिए तो बनाना पड़ेगा, फास्ट क्या वो तो रह लेते हैं, बस एक दिन का अपना बाहर का सामान छोड़ दे यही बहुत बड़ी बात होती है। अभी शाम हो गई है और शाम की शुरुआत होती है चाय से, तो पहले पियेंगे चाय, उसके बाद क्या कहते हैं और काम करेंगे, पहले चाय बनाते हैं, चाय बनाकर फिर आरती करेंगे। तो ये चाय बनना शुरू हो गई, चाय बनती है, तब तक क्या कहते हैं मैं आलू बलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि शाम की खाने की तैयारी भी करनी है, फास्ट का खाना बनाना है। आज मैं बनाऊंगी कुटू की पूड़ी, खीरे का रायता और लौकी की सब्जी, क्योंकि सभी लोग व्रत हैं तो अच्छे से खा लेंगे। हस्बैंड ने भी फास्ट रखा है, बेटी ने भी रखा है, मैंने पी ली है
अब चाय के बाद सबसे पहले कुल्ला करके हमको करनी है माता रानी की आरती, उनकी आरती करेंगे शाम के टाइम वाली, फिर उसके बाद अपने डेली रूटीन के खाने में तैयारी में जुट जाएंगे। दिखाती हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। ये मैंने धूप बत्ती जला ली और ये मेरी अखंड ज्योत जल रही है, ये 9 दिन तक ऐसे ही चलेगी। और मैं जो अपनी अखंड ज्योत में जो बत्ती लगाती हूँ वो कलावे की लगाती हूँ, क्योंकि कलावे की बत्ती हमको ज़्यादा सही नहीं करनी पड़ती, रुई की बत्ती बहुत जल्दी जल जाती है। तो मैं आप सभी से भी ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसमें कलावे की बत्ती लगाइए, क्योंकि कलावे की बत्ती को हमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। मैं इसको एक बार सुबह से ही करती हूँ पूजा के वक्त, और एक बार शाम को आरती के वक्त, बस मेरी अखंड ज्योत ऐसे ही जलती रहती है। ये मेरा ये 5 वाला दीपक है, मैं 5 वाले दीपक से आरती करती हूँ 9 ध्रुवों में, बीच में इसमें कपूर रखा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि मैं पूजा किस तरह करती हूँ। हाँ, हे भक्त वंसल आपको बारंबार प्रणाम है, आनंद मंगल कीजिए दुर्गे तुम्हारा नाम है, कड़ा पाप का भर गया और फैला अत्याचार, आसमानी शक्ति से माँ धरती करे पुकार, अम्बे तुम हो। जैसे आपने अभी में देखा कि मैंने आरती कर ली है, अब बस अब चलते हैं अपने किचन में, शाम का भोग प्रसाद बनाना है, माता रानी को भोग लगाना है। ये है कुटू का आटा, अब देखते हैं 9 दिन कौन कौन व्रत रहता है। और ये है हमारा सिंगाड़े का आटा, और ये मैंने मंगाए हैं साबूदाना व्रत का खाने के लिए, व्रत में खाएंगे। मैं तो वैसे भी बहुत व्रत रहती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलिए अब सबसे पहले कुकर में से आलू निकाल लेते हैं, आलू बहुत गर्म है, देखिए आप कितना धुआं निकल रहा है इसमें से, क्योंकि जैसे ही आलू उबले हैं वैसे ही मैंने कुकर को खोल दिया है। तो आलू को तो मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, उतनी देर में खीरे को छील कर कट कर लेते हैं, घिया कस कद्दूकस से इसको कर लेते हैं। खीरा कड़वा होता है तो थोड़ा इनको ना कस लेना चाहिए, वरना रायता हमारा जो है वो कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने रायते से इसको कस को कर लिया है। अब मैं इसको कद्दूकस से कस लेती हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये कद्दूकस की भी मेरी एक बहुत पुरानी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये जो कद्दूकस है ये मेरी सासू माँ के टाइम का है, और इतना पैना कद्दूकस है कि मैं इसको हटाने के बारे में सोच ही नहीं सकती, और ये मेरे इतना हाथ लगा हुआ है कि मैं इससे कोई भी चीज़ हो फटाफट कस लेती हूँ, चाहे गोला हो या कोई और चीज़ हो। देखिए आपने कितनी जल्दी मैंने कर लिया इसको। अब मैं अपने आलू छील लेती हूँ, आलू को छील कर तैयार कर लिया, सारे आलू छील। तो मैंने आलूओं को भरता कर लिया है, आलूओं को मैश कर लिया है देखिए, और ये मैंने खीरे को कर लिया है, खीरे का रायता बनेगा, और लौकी मैंने काट ली है, अब इसकी बस मुझे सब्ज़ी छौंकनी है। तो चलिए अब सब्ज़ी छौंकते हैं। चलिए अब सब्जी छौंकना स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी लौकी डाल दी, इसको अच्छे से चला देती हूँ। इसमें कुछ नहीं डाला है, खाली नमक, लाहौरी नमक और काली मिर्च डाली है। व्रत की लौकी बहुत टेस्टी बनती है, आप भी खाइएगा जरूर अपने घर में बनाकर। इसमें डाल देंगे पानी, मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे रसीली लौकी अच्छी लगती है, सूखी सूखी लौकी मैं नहीं खाती, ना ही मेरे घर में कोई भी खाता है।
कर दिया मैंने इसका ढक्कन बंद। अब इसमें आएंगी 5-6 सीटी और फिर जब तक मेरी सब्जी बनके तैयार होती है मैं बना लेती हूँ अपना खीरे का रायता और बस फिर कुट्टू की पूड़ी सेकूँगी। पूड़ी तो आज अभी सेकेंगी जब कोई खाएगा, क्योंकि अगर हम उसको सेक के रख देंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए पूड़ी तो मैं जब ही सेकूँगी जब कोई खाएगा। तो ये फाइनली हमारी कुट्टू की पूड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं। इनको बहुत संभाल के डालना पड़ता है क्योंकि ये जल्दी फट जाती हैं, टूट जाती हैं। तो बहुत धीमी धीमी आँच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये सिकेंगी। मेरे घर में कुट्टू की पूड़ी सभी को बहुत पसंद है, सभी बहुत टेस्ट लेके खाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने माता रानी के लिए भोग की प्लेट लगा ली है। अब मैं जा रही हूँ उनको भोग लगाने के लिए। उसके बाद ये प्लेट का खाना खाएगी मेरी बेटी, क्योंकि वो कन्या है। तो सबसे पहले हम लोग कन्या को ही भोग है, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। तो आप मुझे बताइएगा मेरी वीडियो ब्लॉग आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसने भी मेरी वीडियो को मुझे सब्सक्राइब किया है, सॉरी, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उन्हीं सभी फ्रेंड्स का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, और मेरी रोचक वीडियो को आगे आप देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो पे एक आई बटन आएगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।